माशाल्लाह जी विलेज देखें। आज मैंने सोचा है कि सब बहन भाइयों को गांव का विलेज जो है तो आप कहाँ की तैयारी बना के बैठी हुई हो? मैं जब उन्हें दवाई घेना वहाँ कल को दवाई घेनी या कुछ फर्क लग दे है। हाँ जी आज दोपहर को नहीं खाया उन्हें था वही रोटी खा रही है। रोटी खा रही हो? वाह भाई वाह, खाओ खाओ। दिया था अब्बू को एक मरला, वो रेंट पे है हमारा भी, लेकिन हमारे उस एक मरले में दुकान बनाने की फुर्सत नहीं है। अगर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत है ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, बिल्कुल फूलों की तरह चमकते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बाकी घर वाले भी माशाल्लाह ठीक हैं। तो हमारा सुबह का व्लॉग जो है वो हो चुका है स्टार्ट। मेरे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को कल सब्सक्राइब लाइक शेयर भी ज़रूर करना है। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ और आपको अच्छा सा व्लॉग। मनाहल भी बैठी हुई है, चलते हैं मनाहल से एक अच्छी अच्छी नात सुनते हैं। और कश्यप भी बैठी हुई है, फिर कश्यप से बातें करते हैं, देखते हैं हमारे साथ बोलती है या नहीं, क्योंकि काल की नाराज़ है मुझसे। और काल वो कह रही थी कि मुझे उठाओ, मैंने उठाया नहीं है तो मुझसे नाराज़ हो गई है। अब जब भी जाता हूं तो कश्यप मेरे पास नहीं आती। उनको मनाएंगे और फिर देखते हैं कश्यप मानती है या नहीं मानती। बाकी की वीडियो जो है वो मनाहल और उनैजा बैठी हुई हैं, लगता है रोटी खा रही हैं। मनाहल रोटी खा रही हो? हाँ हूँ, अभी रोटी खा रही हूँ। शाम को दोपहर को नहीं खाया था? दोपहर को नहीं खाया उन्हें था वही रोटी खा रही है। रोटी खा रही हो? वाह भाई वाह, खाओ खाओ खाओ, मुझे दे रही है, खाओ मेरा सोना पोत्र। वही मनाहल आप मुझे नाच सुनाती हो? अच्छा माशाल्लाह, ये बताओ आपके लिए क्या ले आऊँ? मैं जा रहा हूँ शॉप पे सब्जी लेने जा रहा हूँ, तो आपके लिए क्या ले आऊँ? नहीं, आपके लिए शाय कौन सी ले आऊँ? नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा, शाय क्या ले आऊँ आपके लिए? बल्ले और बिस्कुट। ना मारो उसको, उठाने दो रोटी बेटा, बहुत ज़्यादा है रोटी। ये थोड़ी सी उसको दे दो, ये दे दो हाथ वाली, ये उठाने दो, मैं आपको और वो और दे दूंगा, ठीक है? चलो फिर मैं उनको पूरी रोटी लेके। मैदा मनाहल, मनाहल बुरी है आपको रोटी नहीं देती, मैं आपके लिए ले आऊँ रोटी ले आऊँ? हाँ कहती है हाँ। उक वो आ गया है, वो देखो आ गया है कौवा रोटी लेने। वोई वोई वोई। जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है मैं सब्जी लेके आ गया हूँ और माशाल्लाह अम्मी भी आई हुई हैं और अम्मी से पूछते हैं। वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक। तबीयत सिया ठीक है? ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। किधर गई थी? मैं घास बोन गया। घास किधर? पार गई हम। पार? हाँ, अच्छा। तो सलाम कर दो सब बहन भाई। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन और मेरे भाई, क्या हाल है? तू सभी ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ तुम्हारे दुआओं के नाल। सुबह कभी लोग ठीक है, स्टार्ट स्टार्ट लोग लाइक करो शेयर करो सब लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो जैसे मेरी वीडियो पहुँचे। हाँ जी, जिस बहन भाई तक हमारे चैनल की नोटिफिकेशन पहुँचे वो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर भी जरूर करना है और वीडियो को मुकम्मल वॉच भी जरूर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी जरूर करना है। जरूर करना है। हाँ जी, तो आप कहाँ की तैयारी बना के बैठी हुई हो? मैं जब उन्हें दवाई घेना वहाँ कल को दवाई घेनी या कुछ फर्क लग दे है। हाँ जी आज टीके लवा वचा। हाँ जी सही तथी थी, सही गंदी बीमारी। आज इंजेक्शन लगवाने हैं जेको ये नजला तो ये थी ना पे। हाँ जी डबल ना मुझे थी ना पे। अल्लाह खैर करे। नहीं करूँ वो आज यहाँ बन्ना थी आज उधर थोली थोला क्या टीका लगे था। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक रहम करेगा इंशाल्लाह। वो आदि बेचारे बन जाओ। इंजेक्शन है या उधर से लगवाने हैं? डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास लग गए। मैंने कहा है तो इस डॉक्टर से लगवा लेते हैं। नहीं है का उधर लगवाने हैं। डॉक्टर क्या में लगवा? अच्छा चलो। मैं गई हूँ पियो अबू तेरा शादी वाले ने दाने पीने आन। हाँ जी वो गए थे उड़े ही। मैं जो सुबह का क्या है सवेर दो तेल चात वाला उन्होंने क्या सारे छः सात मान दाने ने के पीने। हाँ जी सवेर दे मैं तो अन्ना उठी खा के रही पर आवाज़ ही अंधी की चक्की थी। अच्छा हाँ बोला हूँ पता नहीं मोहसिन दम मुझ पाए कल फिक्र कड़े वाला मोहसिन लांग गया। मोहसिन भाई का कोई पता नहीं उसके साथ क्या होगा ना अबू के साथ।
मोटरसाइकिल बाइक तो एहसन भाई लेके गए होंगे ना। अल्लाह मैदा बेटा टीका लगवाए आपको हैं? अरे रखे हां मैं टीका लगाऊं। अरे हां मैं क्यों पता पीछे लग गया टीका लगवाए दे दिया। हंस रही है अभी तो हाँ। अभी तो हंस रही है नैनी। चले उधर और इनके लिए मैं शायले आया हूं। मनाहल किधर गई हुई है नहीं, है बेगम ने मनायल है। घास काटने तो नहीं गया हुआ बकरियों के लिए। चलो तो प्यारे बहन भाई बाकी की जो वीडियो है वो आपसे इंशाल्लाह शेयर करते हैं और आपने हमारे साथ रहना है वीडियो को स्किप बिल्कुल। इंशाल्लाह शाय आ गई है उनेजा की। वाह भाई वाह शाय आ गई। वाह भाई वाह। चलो ठीक है अम्मी जान मैं जा रहा हूँ फिर उधर घास देखता हूँ काट रही हैं तो उधर जा रहा हूँ। ठीक है आप जा रही हो इंजेक्शन लगवाने या? सवारी का पता करो सवारी है तो फिर मोहसिन खड़ी है। हाँ जी पता नहीं जो मोहसिन भाई जाएंगे ना वो मैंने गए सवारी खड़ी है। चलो पता करो फिर मैं आ रहा हूँ। ठीक है देखते हैं टाइम होगा तो साथ जाऊँगा नहीं तो आप सफर करें फिर। ठीक है उधर जाना फिर किसी को कहना मौसम को या किसी को फिर वापसी पहुंचा जाएगा। बाइक तो उधर खड़ी है ना हमारी। चला ही खड़े होने वाला नहीं आते। हमारी बाइक तो खड़ी है ना चक्की की आवाज तो नहीं आ रही। नहीं आ रही ठीक है। हाँ जी तो प्यारे बहन भाइयों अभी जो है मैं फैमिली जा रहा हूँ अपने घास में क्योंकि बेगम साहबा उधर घास काट रही है और मनायल भी उधर है तो मनायल की शाय है मेरे पास वो लेके जाऊँ मनायल के लिए नहीं तो मनायल फिर कहेगी अबू अब मेरे लिए शाय क्यों नहीं ले रहे तो वो उठाते हैं शाय और फिर बाद में इंशाल्लाह बाकी तो प्यारे बहन भाई जैसा कि अपना घास की जो है कटाई कर रहे थे तो मशीन का तेल जो है ख़त्म हो गया था तो अभी जो है मैं तेल ये देखें ले कर आ गया हूँ और मशीन में डालेंगे और बाद में जो है घास काटेंगे। ये देखें घास सारा पड़ा हुआ है बस थोड़ा सा काटा है फिर ख़त्म हो गया। देखें जी प्यारे बहन भाइयों इतना सा टोका जो है हमने लगाया है और ये बहुत ज़्यादा घास जो है अभी पड़ा हुआ है लेकिन पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जनरेटर जो है पेट्रोल ज़्यादा पी रहा है क्योंकि दो तीन दिन हो गए हैं चार दिन ले आया था पेट्रोल आधा लीटर तो वो ख़त्म हो गया नहीं तो हफ्ता हफ्ता ख़त्म नहीं होता था लेकिन मुझे लग रहा है ज़्यादा पी रहा है तो इमरान भाई को बुलाना पड़ेगा क्योंकि इमरान भाई कुछ काम कर लेते हैं जनरेटर का तो इसका काम भी करवाना है। और बकरियां जो है बुला रही हैं कि जल्दी जो है हमें चारा दो और ये भी देख रही है चारा चाहिए ना चारा काट रहे हैं डराओ तो ना काट रहे हैं और ये गायें भी देख रही है चारा चाहिए हैं देते हैं नाराज होकर खड़ी हुई है और इसके मौजाएँ ये सारा दिन खुला फिरती है तो खाती पीती अपने मज़े से है बिल्कुल इसको कोई रोकथाम नहीं है। और घास जैसा कि थोड़ा है हमारा ज़्यादा तो है नहीं तो ये पलाली ले आते हैं तो ये रला के फिर जानवरों को जो है ना चारा बना के खिलाते हैं क्योंकि घास की बहुत प्रॉब्लम है ज़मीन इतनी है नहीं कि घास ज़्यादा रहे क्योंकि थोड़ी सी ज़मीन है आधा बीघा ज़मीन का है और जिसमें सिर्फ घास है बस और हमारी है नहीं कि कणक वगैरह या कोई चीज़ रहा है लेकिन वो नहीं है बिल्कुल और उसमें से आधा इमरान भाई का घास होता है आधा हमारा होता है तो बस गुजारा करते हैं दोनों भाई। इस जानवर भी इतने थोड़े से रखे हुए हैं किसी से आधल पे लेके ताकि बच्चों का दूध भी हो जाता है गाय दूध देती है तो बच्चों का दूध हो जाए दूध बहुत महंगा है ना इसी वजह से ताकि ये घास वगैरह रहा के थोड़े बहुत जानवर रखें ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि ज़्यादा वो रख सकते हैं जिनकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा होती हैं घास वगैरह गंदम वगैरह उनकी तूड़ी वगैरह भू वगैरह हो जाता है ना तो हमें हर चीज़ मोल लेनी पड़ती है दाने भी मोल लेने पड़ते हैं और तूड़ी भी मोल लेनी पड़ती है बस घास थोड़ा सा होता है उस पर गुजारा करते हैं सीज़न को फिर बहुत प्रॉब्लम बनती है तो इसी वजह से थोड़े से रखे हुए हैं। ये नहीं है कि हम ज़्यादा का कर नहीं सकते कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम घास की होती है चाहे जितना भी हो काट सकते हैं चार हो पांच जानवर हो लेकिन काट लेंगे लेकिन बस सारी प्रॉब्लम जो है बस इसी घास की है जब चारा ना हो अपना तो फिर इंसान क्या करे। आजकल का दौर वो है कि कोई अपने बनने बिन भी नहीं आने देता घास करने के लिए जी हमारी कणें ख़राब होती है गंदम ख़राब होती है कोई कहता है हमारा कमांड ख़राब हो जाएगा तो इसी वजह से आजकल दौर भी नहीं है कोई भले का तो गरीब बंदे हैं बस गुजारा कर रहे हैं जी। तो
बाकी की जो वीडियो है प्यारे बहन भाइयों वो भी आपसे शेयर करेंगे और आपने हमारे साथ रहना है वीडियो को। वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है इमरान भाई, ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का। तबीयत सिया ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। वो गिर गई है, कशा उठी हुई है। आ जाओ अबू, उधर जाओ बेटा, गिर जाओगी। आ जाओ, आ गए हो आज? आज तो दोपहर को आ गए होगे, जुम्मा था ना? हाँ जी, 12 बजे आ गया था। तो व्लॉग बना लिया है? हाँ, व्लॉग मुकम्मल हो गया मेरा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। क्या बनाया हुआ है आज? आज हमने बनाया है आलू। आलू? आलू मटर। अच्छा, हम भी मैं भी आलू मटर ले आया हूँ। माशाल्लाह जी, तुम्हारे तो पकने वाले हैं ना? हाँ, अभी बुनाई हो रहे हैं। बुनाई हो रहे हैं? हाँ, शोरवे का पानी डला हुआ है। नहीं। कश्यप क्या कर रहे हो? क्या है ये? क्या है वही? खड़ी हो जाओ बेटा, उठ जाओ, उठ जाओ। शाबाश शाबाश। ये टोपी पहनो, ये लो ये वो टोपी पहन लो बेटा। ये टोपी पहनो, ये टोपी नहीं पहनती, टोपी नहीं पहनती। वो देखो उस छिड़कने पे मनायल दे दो उसको, नहीं तो ले, नहीं तो बाहर ले जाओ। कशव रोने लग जाएगी, बाहर ले जाओ, भाग जाओ मनायल, बाहर ले जाओ, कशव रोने लग जाएगी। ठीक है, वो आराम से ये टोपी पहनो, ये लो। वो आलू पहले ऊपर रखा है तो आप टोपी रखने जा रहे हो? ऊपर रख दो बेटा। हाँ जी। अच्छा, और सुनाओ? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र है। काम कैसा चल रहा है? बस हो रहा है गुजारा, अल्लाह पाक का शुक्र है। माशाल्लाह। हाँ जी। वो दुकान खाली हो गई है जो पहले आपने ली थी? दुकान तो खाली है, तो उसने कहा था दुकान वाले ने, हाँ जी, कि दुकान लेनी है किराए पे। हाँ। मैंने कहा यार आप ना महीना 2 या 6 महीने बिठाते हो फिर छुट्टी करवा देते हो। हाँ जी। अगर 4-5 साल तक 2 साल तक बैठने दो तो फिर मैं बैठता हूँ। हाँ, नहीं तो ऐसे गावदारी बनने लगती है, दुकानदारी को दरोस्त होने लगती है, कहते हैं दुकान की बात करो। हाँ जी, हमने दुकान लगानी है, तो इस वजह से ना फिर ना उधर के रहे ना इधर के। हाँ, फिर ना इधर के रहे। पिछले पहले जो उठाया है ना, आपको पता है कि पूरे 2 महीने ना मेरा सामान घर पड़ा रहा। हाँ जी, तो काफी परेशानी हुई। दुकानें बहुत कम है, फिर मुश्किल से मिलती है ना। हाँ जी, ऐसे ही। तो मैंने कहा अगर देनी है तो फिर ना 2 साल तक मैं नहीं उठने वाला। हाँ जी। हाँ, घाट टू घाट, नहीं तो अगर 5 साल जितने साल में बैठू मुझे उठाओ ना। सही बात है। फिर कहा, चुप कर गया, कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं भी खामोश हो गया, मैं कुछ बोला भी नहीं। मैं फिर क्या कहूँ। हाँ जी, उनके वो कहते होंगे ना कि फिर उठाएंगे, उसके दिल में यही होगा कि 2-4 महीने बैठेगा फिर कहेंगे हमने दुकान लगानी है और दुकान ढूंढो अपनी। हाँ, यही मसला है, अपनी दुकान है नहीं, आपको खुद को पता है। हाँ जी। किराए पे रेंट पे लेते हैं तो वो जिसकी मर्जी आ जाए बस, जब चाहे उठा दे, जब चाहे कह दे। जब गागदारी बनती है, कोई दुकान ठीक चलने लगती है तो कहते हैं आप जाओ इधर से, हमने दुकान लगा। मसला बना हुआ है, तो इस वजह से ना हम अभी जो है ना, मैंने उसे यही बात कही है दुकान वाले से। हाँ जी। बस मसला और कुछ नहीं है, दुकान वो ठीक है, पक्की है, लेकिन दुकान जो ये पहले जहाँ बैठा था वो कच्ची दुकान थी, तो उसकी जो छत थी ना, छत वो भी कानू की और बांस ऊपर डाले हुए थे। हाँ जी। तो मसला ये है कि ये जो है ना बिल्कुल घर के नजदीक है, घर के नजदीक है, और इधर गाहक ज्यादा आते थे। हाँ, गाहक भी ज्यादा आते हैं। दूसरा मसला ये है, अभी घर के जो काम है ना वो बनाना करता रहता है, और दुकान भी खुली रहती है ना, वहाँ से बंद करके आना पड़ता है। यहाँ खुली रहती है, वो आपको पता है कजन हमारा बैठा हुआ है आसम। हाँ जी। जब वो दुकान की देखभाल करता रहता है, वो दुकान पे रहता है ना, जब कोई गाहक आ जाए तो वो बुला लेता है। सही। दुकान की देखभाल भी करता रहता है, ये फायदा हो जाता है। अगर वो कहीं चला जाए तो मैं बैठा होता हूँ, मैं उसकी दुकान की देखभाल करता रहता हूँ। सही बात है, घर के करीब है ना, ये फायदा है। लेकिन ये ऐसे है ना, फिर बंदे ऐसे हैं कि जब देखते हैं गाहकदारी अच्छी हो रही है तो फिर कहते हैं इधर से जाओ, हमने दुकान लगानी है। तो फिर अल्लाह पाक अगर दे फुर्सत तो इंशाल्लाह फिर अपनी बनाएंगे। हाँ जी। तो ये परेशानी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये भी काफ़ी परेशानी बनी हुई है। हाँ जी। ये मसला फुर्सत नहीं है ना, कि जैसे वो दादा अबू ने दिया था अबू को एक मरला। हाँ। वो रेंट पे है हमारा भी, लेकिन हमारे उस एक मरले में दुकान बनाने की फुर्सत नहीं है। बिल्कुल। अगर वो दुकान हमारी पैसे आ जाए तो दुकान बन जाए तो कोई टेंशन भी नहीं होगी कारोबार की। हाँ जी। तो अपनी दुकान होगी फिर, किसी को ऐसे नहीं होगा कि जब एक दिन उधर एक दिन उधर उठा देते हैं, कारोबार में मसला नहीं होगा फिर। हाँ जी। तो मसला यही है कि
एक मरला है हमारा यानी के रेंट पे सड़क पे, तो लेकिन उसकी दुकान बनाने की फुर्सत नहीं और है। और मसला और भी होता है ना, रेंट पे जो दुकान दी हुई है ना, तो वो ये होता है अगर एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाए ना, कम से कम 3,000-3,500 का नुकसान हो जाता है। सही बात है। कोई सामान टूट जाए, कोई कोई चीज टूट जाती है, कोई कोई चीज यानी कि ऐसे दूसरी जगह पे शिफ्ट हो तो कम से कम 2,500-3,000 का नुकसान होता है। सही बात। तो एक जगह से दूसरी जगह भी जाना भी डरते हैं, काफी मुश्किल है कि इतनी नुकसान हो जाएगा 2-3,000-2,500 का। हाँ जी, इतनी आमदन नहीं है फिर। इतनी आमदन नहीं है, गरीब बंदे हैं तो फिर कैसे जाए। हाँ जी, चलो अल्लाह पाक खैर करे। चला जी, आ गई हो दवाई लेके? हाँ जी आ गई। वाह भाई वाह, इंजेक्शन लगवाया है? हाँ जी। तो बुखार चेक करवाया था? कैसी है? सही खड़े है अभी? कुछ है सही है, मट्ठा है। सर्दी से इसको बचाओ ना, फिर ये कंबल वाला है तो इसको पसीना आएगा तो बुखार निकलेगा। हाँ जी, मैंने कहा आज शाम तक नहीं आती, लेकिन शुक्र है कि आप आ गए। हाँ जी, अच्छा सही बात है। चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और इसकी भी वर्दी चेंज कर दो, सुबह की पहनी हुई है, शक्ल देखो इसकी। इसकी वर्दी चेंज कर दो, शाम हो रही है, इसको अच्छे कपड़े पहनाओ, मुंह हाथ धुआओ इसका। चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, अच्छी अच्छी चूड़ियाँ। शादी पे पहनोगी? वाह भाई वाह वाह, ये शादी पे पहनोगी? वाह भाई वाह, और क्या पहनोगी शादी पे? नोने कपड़े हैं आपके, सोने कपड़े हैं? वाह भाई वाह, फिर क्या खाओगी? पप्पा खावाला। पप्पा खाओगी? और आई शेड सुर्खी किधर लगाओगी? क्या लगाओगी? आई शेड। और इधर क्या लगाओगी होठों पे? इधर होठों पे क्या लगाओगी? आई शेड तो आंखों के ऊपर लगता है, इधर हाँ सुर्खी लगाओगी। वाह भाई वाह, तो माशाल्लाह जी ये देखें आलू की छिलाई हो रही है, क्योंकि आज भी लगता है लेट होने वाले हैं। ये सब्जी ले आया था, धनिया आलू और मटर बना रहे हैं माशाल्लाह जी। तो प्यारे बहन भाइयों, हमारा आज का व्लॉग जो है वो हो चुका है मुकम्मल। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।